A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already completed a lots of the theoretical topic related to the chapter number 7, that is a company's account issue of share. As you know very well, in the last video, we discussed the practical portions related to the oversubscription. And you know very well, oversubscription is a situation where company received the application from the public in excess of issued share. यानी जब company share issue करती है and after issuing share, it got an application from the public excess in respect of issued share. सपोज अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया तो 10,000 शेयर के बदले में कंपनी को 12,000, 15,000, 20,000 शेयर सब्सक्राइब हुए या अप्लाई हुए. सो दिस इज द सिचुएशन विल बी ओवर सब्सक्रिप्शन. एंड इन दिस सिचुएशन यू नो वेरी वेल वी फॉलो द थ्री वे टू एडजस्ट सच टाइप ऑफ सिचुएशन. नंबर वन fully allotment, number two prorata allotment, number three is a nil allotment. So before discussing a new type of the question related to the oversubscription, let's we discuss the additional topic related to the oversubscription as well as the in the other kind of situation, that is an opening of joint application and allotment account. So, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ उस टॉपिक को कंबाइन करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो द टॉपिक इज ओपनिंग ऑफ जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ओपनिंग ऑफ जॉइंट एप्लीकेशन and allotment account. Basically, you know very well, some of the question company called the share amount in installment, or in other question you can see that company called the share value in lump sum. It means एक साथ ही सारे शेयर को मांग, शेयर के पैसे को मांग लेना, विच इज नोन एज अमाउंट कॉल्ड अप ऑफ द शेयर इन लमसम, और शेयर के पैसे को इंस्टॉलमेंट में मांगना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन इंस्टॉलमेंट, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल. लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग जरूर गिवन होगा कि एप्लीकेशन पे इतना लेना है, अलॉटमेंट पे इतना लेना है, बट उसके साथ ही साथ क्वेश्चंस में ये भी गिवन होगा कि यू हैव टू प्रिफर द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जॉइंट. सो बिफोर डिस्कसिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्टली वी डिस्कस द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक. सो प्लीज नोट डाउन, इन सच केस a joint account, called and named application and allotment account, is open. मतलब जब किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन इज रिक्वेस्टेड टू यू, क्वेश्चन इज आस्किंग टू ओपन अ जॉइंट अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. सो इन दिस सिचुएशन आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट नाम से अकाउंट ओपन करेंगे एंड द जनरल एंट्री विल बी as follows. First entry, you know
टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। किस वैल्यू से होगा? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी, यानी कि पहली एंट्री जो होगी पैनिंग ऑन डेट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से होगी, वो किससे होगी? जितना शेयर अप्लाई हुआ है इनटू एप्लीकेशन मनी से। सेकंड, यू नो वेरी वेल, हम एप्लीकेशन के वैल्यू को कहां ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल में। बट यहां ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों को, तो उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये किससे होगा? ये वैल्यू होगी नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, जितना शेयर हमने अलॉट किया है, इनटू एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट मनी। उसका जो सम आएगा, जैसे एप्लीकेशन है ₹3 से, अलॉटमेंट ₹2 से, तो दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे। ओके, यानी यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब क्वेश्चन में कहता है कि यू हैव टू ओपन एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ज्वाइंटली, तो सिचुएशन में एंट्रीज करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहले इनकी बैंक अकाउंट में कुछ शेयर एप्लीकेशन वाली, वो एंट्री सेम एज इट इज वैसी ही रहती है, बट उसमें अलॉटमेंट वर्ड ऐड हो जाता है। वो एंट्री किस अमाउंट से होती है? नंबर ऑफ शेयर अप्लाई इनटू एप्लीकेशन मनी से। नंबर सेकंड, जब एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन को ट्रांसफर करते हैं, तो अप्लाई जितना शेयर अलॉट होता है इनटू एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पर हमें अलॉटमेंट भी क्या करना है? साथ में मर्ज करके ओपन करना है। इसलिए जब सेकेंड एंट्री पास करते हैं तो उसमें एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली एंट्री और अलॉटमेंट ड्यू करने वाली एंट्री दोनों को मर्ज कर देते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट मनी दोनों का एड जो आएगा उससे मल्टीप्लाई किया जाए। एंट्री नंबर 3, यू नो वेरी वेल, इन केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन, कुछ पैसे को हम लोग क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी उनके पैसे को हम लोग क्या करते हैं? रिटर्न कर देते हैं। सो रिफंड मनी क्या होगी? हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट वाली का पैसे को हम लोग क्या करते हैं? रिफंड करते हैं, तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। किससे होगी? जितने भी शेयर रिजेक्ट किए गए हैं इनटू एप्लीकेशन मनी। नाउ नंबर 4 एंट्री विच आर रिलेटेड टू द अलॉटमेंट मनी रिसीव, जितना भी अलॉटमेंट मनी बैलेंस रहेगा उसे हम लोग रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यानी ये एंट्री क्या होती है? किससे होती है? बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट में जितना पैसा मिलना बाकी है उससे हम ये एंट्री पास करते हैं, और इसका इफेक्ट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं पड़ता है, ये बात दिमाग में रख लीजिए आप। सो अगर किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन इज आस्किंग टू ओपन अ जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, उस सिचुएशन में आप ये दिमाग में रखना है कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करना है। यानी आप यू कैन सी दैट कभी भी आपने सेपरेट अकाउंट अगर बनाया होगा तो उसमें आपने देखा होगा टू शेयर एप्लीकेशन होता होगा क्या, टू शेयर अलॉटमेंट होता होगा। लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुआ तो भी हमने शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट किया है, और जब हमने ट्रांसफर किया है तो भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल किया, रिटर्न किया है तो भी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू बैंक किया, और जब रिसीव किया है बैलेंस अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट जब रिसीव किया है तो भी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डील को यूज किया है। सो इन दिस सिचुएशन वी ओपन एन एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट jointly. So, for creating a better understanding regarding this topic, let's discuss the practical portion. The practical portion number 24. The practical portion number 24 says that on October 1, 2018, X Limited offered 1 lakh share of 10 each payable as follows: application 3 per share, allotment 2 per share, first call 3 per share, second and final call 2 per share. Application were received for 1,25,000 shares on October 15, 2018.
Application for 1,20,000 shares were allotted 1,00,000 shares and remaining applications were rejected. Give journal entry assuming that all amounts have been received and the company maintains a combined account for application allotment. तो क्वेश्चन में कह दिया है कि आपको एंट्री पास करनी है और मेंटेन करना है कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन अलॉटमेंट. एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करना है? कंबाइंड अकाउंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट. सबसे पहले बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे. बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है? द बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस क्वेश्चन नंबर 24 दैट इज कंपनी ने 1,00,000 शेयर ऑफर्ड किया. एक शेयर कितने का था? 10 रुपीज का, जिसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल. एप्लीकेशन वॉट रुपीज 3, अलॉटमेंट वॉट रुपीज 2, फर्स्ट कॉल वॉट रुपीज 3 एंड फाइनल कॉल वॉट रुपीज 2. So application, allotment, first call, final call. Date is also given. Application received for 1st October 2018. Allotment received for 1st November 2018. First call received हुआ 1st December 2018 and final call received हुआ 1 month after first call, यानी कि first call के एक महीने बाद, यानी 1st January 2019. So question आपको थोड़ा सा क्या करेगा? Twist भी करेगा. So applied and allotted share का हम क्या करेंगे? Concept देंगे. ठीक है? So you can see that in this question the कंपनी इशू 1,00,000 शेयर एंड यू नो वेरी वेल कंपनी जितना शेयर इशू कर रही है उससे ज्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकती. ये दिमाग में आपको रखना है. यानी 1,00,000 से ज्यादा शेयर कंपनी अलॉट नहीं कर सकती जबकि एप्लीकेशन आया 1,25,000. सो कंपनी ने क्या किया है? प्रोराटा अलॉटमेंट किया है और निल अलॉटमेंट. प्रोराटा अलॉटमेंट कितने में क्या है? 1,20,000 वालों को 1,00,000 दे दिया और बाकी बचे 5,000 वालों को कुछ नहीं दिया. इसका मतलब है कि जो कैटेगरी वन है ए है और कैटेगरी बी है, कैटेगरी ए का जो एक्सेस है 20,000 इंटू कितना 3, उसे हम लोग क्या करेंगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे. लेकिन यू कैन सी दैट यहां हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दोनों ज्वाइंटली ओपन करना है. इसका मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक हम एप्लीकेशन के टाइम में अलॉटमेंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं. सो इतना दिमाग में आपको रखना है कि ये जो 20,000 शेयर पे 3 रुपीज एक्सेस मिला है प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में, इस पैसे को अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वी ओपन एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइंड. अगर हम बात करें निल अलॉटमेंट की तो जो ये 5,000 शेयर जिनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया गया है इनका जो एप्लीकेशन मनी है एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ द निल अलॉटमेंट इसे हम रिटर्न करेंगे. सो जर्नल एंट्री क्या होगी पहले समझिए. पहली जर्नल एंट्री होगी एप्लीकेशन रिसीव करने की October 1, 2018. क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कंपनी के कितने शेयर अप्लाई हुए? 1,25,000 मल्टीप्लाई बाई दैट इज 3,75,000. अगेन आफ्टर 1st October 2018 आपने एप्लीकेशन रिसीव किया. अब आप एप्लीकेशन को कहां ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में. लेकिन यहां एक मिस्टेक आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यू हैव टू ओपन अ जॉइंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट. So, ये जो शेयर एप्लीकेशन खाली दिख रहा है इसके साथ साथ आप लोग को अलॉटमेंट वर्ड भी यूज करना पड़ेगा. एंड अगेन आप एप्लीकेशन रिसीव किया आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे. लेकिन जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि अलॉटमेंट भी आप ड्यू कर रहे हैं और एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जो एप्लीकेशन का पैसा उसे कैपिटल में भी ट्रांसफर कर रहे हैं.
सो उस समय क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी है 1,00,000 शेयर पे, उसे आप ट्रांसफर कर देंगे। एक बार क्वेश्चन लगाने के बाद जितने भी डाउट होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद 2018 नवंबर 1 में आपको पता है कि आप जो रिजेक्टेड वैल्यू, अभी मैंने जस्ट एंट्री कराई है सर, तो पहले आपने एप्लीकेशन रिसीव किया, फिर एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में, लेकिन डेट कौन सी होगी, अलॉटमेंट वाली डेट होगी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी से। और तीसरा होगा आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे जो नल अलॉटमेंट का केस है, उस केस में आप पैसे को रिटर्न भी करेंगे। सो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इज 15,000, आपने रिटर्न भी करेंगे। और अब लास्ट में आप रिसीव करेंगे बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब आप अलॉटमेंट पे बैलेंस अमाउंट क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान रखनी कि जो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी हमने ट्रांसफर किया है उसमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी को काउंट किया, लेकिन हम उसमें अलॉटमेंट को भी काउंट करते हैं, यानी दिस वैल्यू विल बी बाई 5। गॉट इट? कि 3,00,000 रुपए में एप्लीकेशन का ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल का, और 2 रुपए से अलॉटमेंट को क्या कर दिया, ड्यू भी कर दिया। यही तो फायदा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को ज्वाइंटली ओपन करने का। यानी जब आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट को ज्वाइंटली ओपन करते हैं तो एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के साथ साथ हम अलॉटमेंट को भी ड्यू कर देते हैं। अलॉटमेंट कितने से ड्यू होगा, 2 रुपए से। शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन का कितना ट्रांसफर होगा, 3 रुपए। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 5। सो यहां पर ये चीजें थोड़ी चेंज होगी। तो जब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो उसकी भी क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 5,00,000 में से 3,00,000 रुपए जो है वो एप्लीकेशन का है, 2,00,000 रुपए अलॉटमेंट का, यानी अलॉटमेंट का कितना ड्यू हुआ था, 2,00,000 रुपए। और बैलेंस अमाउंट हम करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें पहले से कितना मिल चुका है एप्लीकेशन के टाइम, 60,000। यानी बैलेंस आप कितना रिसीव करेंगे ऑन अलॉटमेंट, 1,40,000। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो व्हेन यू ओपन योर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जॉइंटली, तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, एप्लीकेशन अलॉटमेंट को आपको जॉइंटली ओपन करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो जो प्रोराटा अलॉटमेंट पे जो एक्सेस मनी है वो डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हम एज्यूम कर लेंगे वो पैसा एप्लीकेशन में मिल चुका है। क्लियर? आप खुद देखिए, 3,75,000 था जिसमें से 3,00,000 रुपए किसका था, एप्लीकेशन का था, 75,000 एक्सेस था जिसमें से आपने 15,000 क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, 60,000 एक्सेस पड़ा हुआ है वो किस पे आपने एडजस्ट किया होगा, अलॉटमेंट पे, यानी आपने उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। कहां, ये देखिए आपने दोनों अकाउंट ओपन किया है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो हम ये मान ले रहे हैं कि आपने जो 60,000 रिजेक्ट नहीं किया, जो 60,000 पैसा रिटर्न नहीं किया वो आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, यानी अलॉटमेंट के टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा, 1,40,000। सो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और उसके बाद फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे सिंपली होता है, क्योंकि यहाँ कोई ना एरियर है ना एडवांस है। तो जब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे ऑन 2018 दिसंबर 1, तो उसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट इज एन 1,00,000 × 3, 3,00,000 एंड दिसंबर 1 को आप क्या करेंगे, रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। उसी तरह से आप फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे ऑन जनवरी 1, 2019, दैट इज शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 2,00,000, 2,00,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 2,00,000, 2,00,000। सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24, and it is a very important and tricky question, because in this question is asking to open a application and allotment account combinedly. So yahan ka jo first 4 entry hota hai, application receive karna, application aur allotment dono ko sath sath due karna, application ko capital mein transfer karna aur allotment ko due karna, excess application money in case of nil allotment ke paise ko return karna,
एंड बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव करना, और साथ ही साथ फर्स्ट कॉल रिसीव करके, फर्स्ट कॉल ड्यू करके रिसीव करना और फाइनल कॉल ड्यू करके रिसीव करना, ये आपको कर लेना। यानी दो एंट्रीज आपको खुद करनी है, वो आप कर लीजिएगा रिलेटेड टू द फाइनल कॉल। आफ्टर कंप्लीटिंग द वेरियस टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 7, दैट इज एन ओवर सब्सक्रिप्शन, opening of application and allotment account jointly, as well as the issue of share for cash and issue of share for consideration other than cash at par or at premium with the adjustment of calls in arrear and calls in advance. So now let's move to the second segment of this chapter, that is in forfeiture of share. After the issuing of share, company forfeit the share in some special circumstances. यानी अभी तक हम लोग बात कर रहे थे the issue of share. यानी जब कंपनी शेयर इश्यू करती है और इश्यू ऑफ शेयर पे अगर किसी शेयर होल्डर का टाइमली पेमेंट नहीं आता है ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे, इट मींस इन केस ऑफ द कॉल्स इन एरियर, कंपनी हैव अ राइट टू फॉरफीट सच शेयर ऑफ द शेयर होल्डर। मतलब कंपनी पास ये राइट है कि अगर कोई शेयर होल्डर टाइमली पैसा नहीं दे रहा है तो कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर सकती है, फॉरफीट भी कर सकती है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 7, एंड इन द एग्जामिनेशन 100% चांसेस टू कम द क्वेश्चन फ्रॉम द फॉरफीचर ऑफ शेयर। सो प्लीज discuss this topic, learn this topic very carefully. So before starting the numerical question related to the forfeiture of share, let's discuss the basic concept related to the forfeiture of share. So what is the meaning of forfeiture of share? If any shareholder fails to pay the due amount on calls or allotment or both, if any shareholder fails to pay the due amount on calls or allotment or both within the specified period, the directors, may cancel his share. This is called forfeiture of share. So basic meaning of forfeiture of share मतलब कि जब कोई शेयर होल्डर कॉल्स का पैसा या अलॉटमेंट का पैसा या दोनों पैसा जो कंपनी ने कॉल्ड अप किया है स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर पे करने में कैपेबल नहीं होता, नहीं दे पाता, तो सिचुएशन में डायरेक्टर्स के पास ये पावर होता है कि वो उनके शेयर्स को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, इशू करती है, शेयर इशू करती है। इशू करने के बाद कंपनी को एप्लीकेशन होते हैं, पब्लिक अप्लाई करती है शेयर के लिए, उसमें कई सिचुएशन है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, उस सब को करने के बाद कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करने के बाद पब्लिक क्या करती है, उस शेयर्स को अप्लाई करती है। फिर आफ्टर द अप्लाई ऑफ द शेयर कंपनी विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट प्रोविजन एंड डिफरेंट वे कंपनी शेयर्स को क्या करती है, शेयर होल्डर्स को कंपनी शेयर क्या करती है, अलॉट करती है, जिसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ द शेयर। आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर, यू नो वेरी वेल, पहले तो
शेयर होल्डर क्या करता है, शेयर को अप्लाई करने के लिए कंपनी को क्या देता है, एप्लीकेशन मनी देता है। तो एप्लीकेशन पे जनरली एरियर नहीं होता, लेकिन जब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करती है यानी आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर कंपनी कॉल्स द अलॉटमेंट मनी। सो अलॉटमेंट हो गया या फिर कॉल्स मनी हो गया, कंपनी कॉल्स या अलॉटमेंट क्या करती है, ड्यू करती है। यानी कि आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर कंपनी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मांगती है या फिर कॉल्स मांगती है, मतलब अलॉटमेंट अगर मिल गया तो फिर कॉल्स मांगेगी। और मान लीजिए इसके बाद क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर हो गया, कॉल्स इन मतलब शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट ड्यू हुआ पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ नहीं दिया, फाइनल कॉल हुआ नहीं दिया, उसके बाद भी कंपनी चांसेस देती है शेयर होल्डर्स को कि आप टाइमली यानी विद इन स्पेसिफाइड पीरियड आप शेयर होल्डर का क्या कर दें, पेमेंट करें विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कॉल्स इन एरियर पे डिमांड करती है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर होने के बाद कंपनी शेयर होल्डर से कहती है कि यू डोंट वरी, अगर आपके पास उस टाइम पैसा नहीं था तो यू विल टेक द टाइम एंड पे द अलॉटमेंट मनी और कॉल्स मनी विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। और उसके बाद भी अगर शेयर होल्डर तब भी क्या करता है, फेल्स कर देता है, नहीं पे करता है, पैसा पे नहीं करता, उस सिचुएशन में फिर कंपनी क्या करती है, उनके शेयर को फॉरफीट कर देती है। सो बेसिकली आई होप दिस डायग्राम हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरफीटेड ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर इज अ सिचुएशन वेयर शेयर होल्डर फेल्स द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स और अलॉटमेंट और बोथ विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। कंपनी ने आज शेयर इशू किया, पब्लिक ने उसको अप्लाई किया, पब्लिक ने अप्लाई किया तो अंडर सब्सक्रिप्शन है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो कंपनी फुली अलॉटमेंट 5 करोड़ अंडर अलॉटमेंट एंड नील अलॉटमेंट के हेल्प से क्या करेगी, शेयर अलॉट करेगी एंड अलॉटमेंट मनी मांगेगी। मान लीजिए शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी दे दिया, फिर कंपनी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल डिमांड करेगी। अब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के टाइम में शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, एरियर कर दिया, मतलब नहीं पे किया। मान लीजिए उस टाइम शेयर होल्डर के पास पैसा नहीं था तो कंपनी फिर एक चांस देती है टू द शेयर होल्डर्स कि यू विल पे द बैलेंस अमाउंट और एरियर अमाउंट विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स, मतलब आप इंटरेस्ट के साथ पे कर दो। अगर उसके बाद भी शेयर होल्डर टाइमली पे नहीं करता है, फेल कर देता है, तो सिचुएशन में कंपनी के पास या डायरेक्टर्स के पास ये राइट होता है कि वो शेयर होल्डर्स के शेयर को क्या कर सकती है, फॉरफीट कर सकती। सो दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। सो बेसिकली इट इज ऑल्सो गिवन इन बुक कि कंपनी किसी भी शेयर को फॉरफिट करने से पहले मिनिमम 14 डेज का नोटिस पीरियड देती है। यानी यहां पर कंपनी अगर फॉरफिट कर रही है शेयर का, तो फॉरफिट करते वक्त वो 14 डेज का क्या करती है, नोटिस पीरियड भी देती है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा, यानी कि लास्ट टाइम कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को 14 डेज का नोटिस पीरियड देने का मतलब है 14 डेज का टाइम देती है और उसे वार्निंग लेटर देती है या नोटिस पीरियड नोटिस देती है कि यू पे द बैलेंस अमाउंट और एरियर अमाउंट विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर विद इन 14 डेज। अगर तब भी शेयर होल्डर 14 डेज के अंदर पेमेंट कर देता है तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर कंपनी ने नहीं किया, शेयर होल्डर ने टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो सिचुएशन में कंपनी उसके शेयर को फॉरफीट कर लेगी। और फॉरफीट में एक चीज मैं बताऊं आपको, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दिया और कॉल्स नहीं दिया, तो अगर कॉल्स बार बार मांगने के बाद या नोटिस पीरियड देने के बाद भी अगर शेयर होल्डर टाइम नहीं पे करता है तो जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी है वो कंपनी क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि एट द टाइम ऑफ द फॉरफीचर ऑफ द शेयर कंपनी कितने डेज का नोटिस पीरियड देती है, 14 डेज का। 14 डेज का नोटिस पीरियड का मतलब कि शेयर होल्डर को वार्न करती है कि यू विल पे द बैलेंस अमाउंट और एरियर अमाउंट विद द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर विद इन 14 डेज ऑफ द नोटिस। सो आपका शेयर फॉरफीट नहीं होगा। आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ द शेयर नेम ऑफ शेयर होल्डर रिमूव फ्रॉम द शेयर, मतलब कि
शेयर होल्डर का जो नाम है उसे रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द शेयर, यानी कंपनी का उस शेयर होल्डर को जो कंपनी का शेयर होल्डर का दर्जा मिला हुआ है, पोजीशन मिला है, राइट मिला है, वो सब कैंसिल कर दिया जाता है। एंड नंबर सेकंड, अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन सच शेयर, अमाउंट पेड ऑन सच शेयर ऑल्सो ऑल्सो फॉरफीटेड, सच अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन सच शेयर बाय हिम ऑल्सो फॉरफीटेड, मतलब उस शेयर पे अभी तक शेयर होल्डर ने जितना भी पैसा दिया होगा, चाहे एप्लीकेशन दिया हो, चाहे अलॉटमेंट दिया हो, कुछ भी दिया हो, वो सारा पैसा कंपनी क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फॉरफिटर ऑफ द शेयर, प्लीज नोट डाउन। सो इन टुडेज वीडियो वी डिस्कस द टू इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एन ओपनिंग ऑफ जॉइंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट इन केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन एज वेल एज द बेसिक मिनिमम ऑफ द फॉरफिटर ऑफ द शेयर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।